हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी कटोस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने सिंपल से लुक में क्यों बैठी हुई हूँ, तो आज मैं करने वाली हूँ आपके सामने एक मेकअप चैलेंज। और वो मेकअप चैलेंज है वन डिप मेकअप चैलेंज। मतलब एक बार डिप करने से जितना प्रोडक्ट मेरे ब्रश में होगा, चाहे वो लिपस्टिक हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, मुझे सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो आई होप आप लोग चैलेंज समझ गए होंगे कि मैं करने क्या वाली हूँ। सुन के तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है और मुझसे भी बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। अब देखते हैं मैं ये चैलेंज कर पाती हूँ, ओनली वन डिप में अपना मेकअप कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। तो ये चैलेंज स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और यहाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो करना ही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मेकअप चैलेंज के लिए। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्राइमर। ये रहा प्राइमर, एक बार में बहुत सारा निकाल लेती हूँ। ये क्या, एक बार बनाने के बाद सिर्फ इतना सा आया, इतना सा। ठीक है, स्टार्ट करके देखते हैं। मैं इसे अच्छे से हाथ से लगा लूंगी। पूरे में तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर जहां जरूरत थी वहां तो हो ही गया। सो ये लग गया है प्राइमर। अब हम लेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन ये पंप वाला फाउंडेशन है। अच्छे से इसको दबाने की पूरी कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन बस एक ड्रॉप। कोई बात नहीं, दिमाग लगाती हूँ मैं भी। मेरे पास ब्लेंडर है, मगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली हूँ, वरना जो आया है ना ये भी नहीं बचेगा। तो मैं इसे हाथ से लगा लूँगी। बेस्ट प्रोडक्ट भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा और पूरे पे लग भी जाएगा। वैसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी इस पंप से कि इतना सा निकलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, लगभग लग ही गया है सारी चीज। अब हम अप्लाई करेंगे कंसीलर। कंसीलर, बस कंसीलर धोखा ना दे दे। बहुत अच्छे से इसको कर लेती हूँ ताकि बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाए। देखते इसके डंडे पर भी लगा हुआ है, ये भी लगा लेते। वाह, कंसीलर मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया, क्योंकि एक ही डिप लेना था, दोबारा हम इससे नहीं ले सकते हैं। अब मैं इसको ब्रश से लगाऊँ, वरना ब्लेंडर तो जितना होगा वो भी सोच। बस कहीं मेकअप करते करते भूल ना लगे, इतने इतने कम प्रोडक्ट आए तो कहीं लगे कहीं ना लगे मेकअप। चलो कंसीलर तो लग गया, जैसे कि जगह मैं ब्लेंडर यूज़ करती तो जितना आया है ना वो भी नहीं बचता। ठीक है, अब हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर बिल्कुल नहीं लगा रही, लाइनर के लिए बड़ा डर लग रहा है। अगर ये इसमें प्रोडक्ट आए ही नहीं, अगर इतना आया कि बस एक ही आँख में लग पाया तो पता नहीं, देखते हैं। प्लीज बहुत सारा आ जाना प्लीज। इतना आया है, लगता है लग जाएगा सब्जेक्ट। पहले दूसरी आईज में लगा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ आईज में हो जाएगा। ये क्या, इस लाइनर ने तो मेरी सीरियसली लाज रख ली, वरना ये लाइनर तीन चार बार डिप करे बगैर अच्छे से लग ही नहीं पाता था। इस चैलेंज पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक डिप में ये लाइनर कितने परफेक्टली तरीके से लग गया, वरना मुझसे लग भी नहीं पाता था इस ब्रश से। देखिए
पास से अच्छे से दोनों आंखों में बराबर प्रोडक्ट लग गया है, लगता है ये चैलेंज तो मैं जीती जाऊंगी। अब लगाएंगे हम मस्कारा अच्छे से, बहुत सारा प्रोडक्ट मैं लेकर ही रहूंगी। लगा के देख, एक बार वो ले लूं? नहीं नहीं वन डिप मेकअप चैलेंज है और मुझे ये जीतना ही है। मेरी एक आंख में तो ये अच्छे से हो गया है, दूसरी में हल्का हल्का हो पाया है, पर क्या कर सकते हैं, चैलेंज है। अब बारी है आईब्रोज फिल करने की और मैंने बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया है। मैंने ऐसी आई शेड पैलेट ली है जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मैं एक बार में ही सारा प्रोडक्ट इस ब्रश में ले लूँगी। सारा लेने के चक्कर में भूत ही ना बन जाऊँगी, बहुत ज़्यादा बार इसको करना पड़ रहा है मुझे इस लालच में कि शायद बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाए। ये देखिए मैंने पैलेट का क्या हाल कर दिया, पूरा का पूरा ही रब कर दिया है। फाइनली इतना प्रोडक्ट आ पाया है, अब मैं इसे लगाती हूँ। नॉट बैड, वाओ यार, मुझे लगता है ये मेकअप प्रोडक्ट भी मुझे ही ये चैलेंज जिताना चाहते हैं, तभी एक डिप में ही इतना अमेजिंग मेकअप हो रहा है। और वरना वैसे अगर मैं मेकअप करती हूँ तो चार पांच डिप करने के बाद भी बहुत अच्छे से सेट करना पड़ता है, उसके बाद ही मेरा मेकअप हो पाता है। लेकिन ये मेकअप बहुत ही अच्छे से एक ही बार में बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आई शेड। आई शेड भी मैं अगेन उसी पैलेट से लूँगी और ब्रश में ढेर सारा होगा, क्योंकि मुझे ये चैलेंज जीतना है। अगेन मैंने उसका कचूमड़ निकाल दिया है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ही मैंने खाली कर दिया है बहुत गंदे तरीके से। और ये आया है प्रोडक्ट, इग्नोर करते दीजिएगा क्योंकि पता नहीं क्यों मेकअप करते करते मैं अजीब मुंह बन जाती हूँ। ये क्या प्रोडक्ट तो लगभग खत्म हो गया है, साइज में तो लग ही नहीं पा रहा है, क्या करूँ इससे, दोबारा से थोड़ा सा और ले लेती हूँ। ये क्या लेने के चक्कर में तो और प्रोडक्ट उस वाली आई में लग गया, क्या करूँ। हाँ, एक में डार्क, एक में लाइट, एक में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जा चुका है और बहुत ज़्यादा डार्क लग गया है, एक में प्रोडक्ट थोड़ा लाइट लगा है बट इतना पता नहीं चल रहा है, कैमरे में तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। ठीक है, अब मैं लगाने वाली हूँ, हल्के से अपने गालों को हाईलाइट करूँगी। मैं सेम इसी कलर्स को दोबारा ले लेती हूँ, अच्छा खासा आ गया यार। ये देखिए हल्का हल्का मेरे गालों पे ये अच्छे से लग चुका है। ओ माय गॉड, एक बहुत भयंकर वाली गलती हो गई गाइस, आधे से ज़्यादा वीडियो शूट हो गई और इतनी भयंकर वाली गलती मुझसे हो गई है। और वो गलती है, मैंने अपने मेकअप को लूज पाउडर से बिल्कुल भी सेट नहीं किया। कोई बात नहीं, हम अब सेट कर लेते हैं। ढेर सारा मेरे में आ गया लूज पाउडर। आप लोग ये गलती मत करना, आप लोग पहले ही अपना मेकअप सेट कर लेना यहाँ चैलेंज के चक्कर में। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि मैं लूज पाउडर से अपना मेकअप सेट करना ही भूल गई, पर मेकअप इतना गंदा भी नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था फेस मेरा। चलो ये भी अच्छा हुआ, मैंने बहुत थोड़ा सा ही लूज पाउडर इसमें लिया है बिकॉज इस वजह से कि मैंने जो ये ब्लश लगाया था ये मेरा हाइड ना हो जाए, क्योंकि अब मैं दोबारा से ब्लश नहीं ले सकती। वाओ, मतलब बाद में लगाना भी इतना बुरा नहीं है, बाद में लगाने का भी आपके पास ऑप्शन है। आप अपना मेकअप
ठीक कर सकते हो. ओके, अब लास्ट सबसे अलग ऑप्शन रह गया है, अपने नोज़ को या जो भी हाईलाइट वाले एरियाज हैं उनको हाईलाइट करने का. तो मैं हाईलाइट करने के लिए ले रही हूँ ये NY का आई शेडो. इसका लगभग कचूमर निकल सकता था मगर नहीं निकल पाया है, तो इतना प्रोडक्ट आया है. थोड़ा थोड़ा मैं सब जगह ही इसको लगा लेती हूँ. ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो हाईलाइट लग ही रहा है फेस. अब एक ब्रश में जितना आ सका मैं उतना ही ले सकती थी हाईलाइटर. अब वो लास्ट स्टेप रह गया है लिप शेड. फेस मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब लास्ट स्टेप है सिर्फ लिप शेड. मैंने चालाकी से ये वाला लिप शेड चूज़ किया है क्योंकि इसमें से जब भी मैं लिपस्टिक निकालती हूँ ना, इसमें ब्रश में बहुत सारा लिपस्टिक आ जाता है. एस क्यू वाले में बीच में होल रहता है ना, तो वो होल में ही लिपस्टिक गायब हो जाता है. देखते हैं, ये देखो कितने खतरनाक तरीके से मैंने सारी लिप शेड इसमें से निकाल ली है. अब मैं आपको उसको लगा के बताती हूँ कि लग नहीं पाता है. वाओ, अच्छा खासा प्रोडक्ट आ गया है मेरे ब्रश में और अच्छे से मेरा लिप शेड लग गया है. देखिए आई शेड में भी पूरे मार्क्स आप दे सकते हैं, तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा है वन डे वाला मेकअप चैलेंज. आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा. मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक. बुरा भी नहीं लग रहा है, मैंने ये चैलेंज भी किया ही है. मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी है और मैंने दूसरी बार कोई भी टिप नहीं लिया है. और ऐसा नहीं है कि कोई भी मैंने एडिटिंग वगैरह में वो चीज़ निकाली हो. आप लोगों के सामने बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने ये वन डिप मेकअप चैलेंज लिया है गाइज. तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर चाहिए मुझे इस वीडियो पे, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए. आई होप आपको मेरा ये सबसा वन डिप मेकअप चैलेंज पसंद आया होगा. सो जल्दी से तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.